सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब युवाओं को सरकार की नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा दी जाएगी। हमीरपुर में लोगों ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऐलान पर पीएम मोदी का आभार जताया है। डीडी न्यूज ने हमीरपुर में कुछ लोगों से जानी इसके बारे में राय। सतपाल राठौर ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से सभी निर्णय बहुत ही बढ़िया हैं और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करना बहुत ही सराहनीय निर्णय है और अब इससे युवाओं को बार बार नौकरी के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। तो सरकार ने जब से केंद्र में आई है और जो प्रदेश के और देश के हित में जितने भी निर्णय ले रहे हैं, एक अभी जो कल डिसीजन आया कि भी एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरे प्रदेश और देश स्तर पे रिक्रूटमेंट करेगी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे युवा हैं उनके लिए है, क्योंकि हर बार उनको फॉर्म भरने के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन इससे होगा कि भी एक बार फॉर्म भर दिया उनकी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको हर जगह उनको मौका मिलेगा और इससे वक्त भी बचेगा और इससे लोगों का जो बेरोज़गार हैं अपने साथी उनको जो पैसा लगता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि भी हर जगह उनको पैसे भरने पड़ते थे, इससे उनका जो रेवेन्यू है वो भी बचेगा, क्योंकि बहुत अच्छा फैसला है मोदी सरकार का। वही अध्यापक सुधीर चंदेल का कहना है कि इस निर्णय से युवाओं को यहां वहां नहीं भटना पड़ेगा और इस निर्णय से बहुत लाभ मिलेगा, ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। ये बहुत ही बढ़िया फैसला है और इससे जो युवा साथी हैं उनको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, साथ में जो भी जितने भी टेस्ट भरने पड़ते थे, बार बार टेस्ट भरने पड़ते थे, उसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता था, तो वो उससे भी बचत होगी और मुझे लगता है कि ये सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे युवा साथियों को बहुत लाभ होगा। अनिल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और इससे पूरे देश भर के युवाओं को लाभ मिलेगा। अनिल जी, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है मोदी सरकार जी, क्या कहें, कैसा फैसला? बहुत अच्छा फैसला है जी, इसमें पूरे जो भी इंडिया में एक ही टेस्ट होगा तो सभी के लिए एक जैसा मौका मिलेगा और ये डिसीजन जो है बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। रणवीर सिंह ने बताया कि यह फैसला युवाओं के हित का है और सरकार नोटिफिकेशन पूरी आने के बाद पूरा पता चलेगा। उन्होंने बताया कि नौकरी के लिए युवाओं को यहां वहां भटकने से निजात मिलेगी। युवाओं के हक का फैसला है और मोदी जी ने जो केंद्र सरकार है उसने अच्छा रिव्यू किया है, अब इसमें नोटिफिकेशन में क्या आता है वो देखने वाली बात है, उस पर ऊपर युवाओं ने नज़र लगाई है। एक एजेंसी से भर्ती करना अच्छी बात है, उसमें खर्चा कम होगा और बच्चों को नौकरी भी मिलेगी और उसका पारदर्शिता भी आएगी और सारी चीज़ें जो है ये जुड़ी हुई है इस पहलू से, तो मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने ये अच्छा फैसला।